स्वर्गीय विक्रम सिंह कबड्डी प्रतियोगिता प्रतापगढ़ सौजन्य से टुन टुन द लग्जरी ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, जहाँ हर रोज खाएं वलीमा यानी वलीमे की दावत, खाना ऐसा कि कभी ना भूल पाए। टुन टुन द लग्जरी ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट में जरूर आए। देवनमऊ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। कबड्डी के शौकीन श्रोताओं के लिए एक आवश्यक सूचना यह है, स्वर्गीय विक्रम सिंह कबड्डी प्रतियोगिता प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश सौजन्य से टुन टुन द लग्जरी ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। रोज खाएं वलीमे की दावा, खाना ऐसा कि कभी ना भूल पाए। अपने फैमिली को लेकर एक बार जरूर आए। देवनमऊ प्रतापगढ़ स्वर्गीय विक्रम सिंह कबड्डी प्रतियोगिता प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय विक्रम सिंह कबड्डी प्रतियोगिता प्रतापगढ़ सौजन्य से टुन टुन द लग्जरी ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। स्वर्गीय विक्रम सिंह कबड्डी प्रतियोगिता प्रतापगढ़ सौजन्य से टुन टुन द लग्जरी ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। कबड्डी के शौकीन श्रोताओं के लिए एक आवश्यक सूचना यह है, स्वर्गीय विक्रम सिंह कबड्डी प्रतियोगिता प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश सौजन्य से टुन टुन द लग्जरी ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। ये देखिए, ये ग्राम
ग्राउंड जहां पर आप कबड्डी खेलेंगे, तो यहां पर कुछ इस प्रकार की कबड्डी हरियाणा के शेर कबड्डी में, कबड्डी हरियाणा के शेर कबड्डी में। फिलहाल यहां पर स्वर्गीय विक्रम सिंह कबड्डी प्रतियोगिता प्रतापगढ़ सौजन्य से टुन टुन द लग्जरी ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। अरे उल्टी करके जाओ बांधे मखरिया यो गाड़ा, शेर सा शिकार करा यो सोनू चांदली यारा, सुंदर नारद सुंदर बोली सबके। इतनी तन्मयता से यहाँ जुटे हुए हैं, तो बताइए क्या कब और कैसे हो रहा है? ये 25 और 26 अक्टूबर को ये स्टेट लेवल चैंपियनशिप कबड्डी स्वर्गीय विक्रम सिंह स्मारक के नाम से चौथा सीजन है, तो जो कि देश से हर एक राज्य से टीमें आ रही हैं, हैदराबाद, मुंबई, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सभी जगह से टीमें आ रही हैं और सब तैयारी चल रहा है ग्राउंड का इस तरीके से, यानी कि इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। हम लोग के यहाँ बैठने का, दर्शक को बैठने की सुविधा दी जाएगी, उसके बाद ड्रोन कैमरा होगा, रिव्यू सिस्टम होगी, LED TV होगा, जो कि बहुत, यानी कि प्रतापगढ़ में अभी तक आपको उस तरीके से देखने को नहीं मिला होगा कि और भी कबड्डी में आप देखे होंगे ओझा जी, कि बैठने के दर्शक की बैठने की व्यवस्था नहीं हुई। सही बात, नहीं हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था दी जाएगी चारों साइड। अच्छा। इस तरीके से बनाया जा रहा है कि दर्शक को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। ये किस लिए बनाया जा रहा है? दर्शकों को बैठने के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा जी, बैठने के लिए बनाया जाएगा, उसके बाद फिर इसको गैलरी बनाया जाएगा। अच्छा। गैलरी में भी हमारे दर्शक रुक सकते हैं। अच्छा। जो कि दर्शक दिक्कत जो और कबड्डियों में दिक्कत होता है कि दर्शक ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, कमेटी को दिक्कत हो जाती है, मैच रोकना पड़ता है। हाँ। तो इस तरीके से व्यवस्था दी जाएगी कि दर्शक को बाहर ही रोकना उचित रहे। अच्छा। जो कि खिलाड़ियों को प्रॉब्लम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, तो इसी तरीके से काम चल रहा है, जो कि 23 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको 24 तारीख को पूरा, मेरा ये टारगेट है इस कमेटी का, 24 तारीख को लाइट से लेके साउंड से लेके सब सिस्टम ग्राउंड एकदम ओके मिलेगा। अच्छा, ये मैं रिजवान जी हैं। आपके साथ और कौन कौन? रिजवान भाई हैं, काफी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इनका कल से भी घर नहीं गए, अभी तक ये सुबह से यही है। अच्छा, ये नहीं, कमेटी का पूरा यही है कि किसी भी तरीके से इसको संपूर्ण कराया जाए, समापन हो अच्छे से, जो कि बहुत ही प्रतापगढ़ की धरती पे बहुत प्रो कबड्डी के प्लेयर आते हैं, आपको पता ही होगा, पिछले साल भी आए थे। हाँ। इस बार और भी आएंगे, उससे ज्यादा आने की संभावना है, जो कि 16। और आपके साथ कौन है? ये शुभम सिंह है। अच्छा। और ये अयूब भाई है, ये शुभम सिंह हमारे भाई हैं, दोनों भाई हैं। अच्छा, कमेटी के, हम लोग की कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा से सब अपने अपने जिम्मेदारी संपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। चलिए ठीक है वकार भाई, आपको हमारा काम कैसे लग रहा है? आपका काम बहुत बेहतरीन है, हम अभी तक तो बाहर थे, आप कहीं भी लाइव होते थे तो हम आपका लाइव मैच देखते थे, बड़ी खुशी होती थी कि बाहर रह कर भी आप इस तरीके का हम लोग देख पा रहे हैं, इस तरीके का मैच देख पा रहे हैं आपके जरिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस लाइव प्रतापगढ़ के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि कोने कोने, यानी कि यहाँ के लोग कहाँ देश विदेश हैं वो भी प्रतापगढ़ को देख पा रहे हैं दूर रह कर भी। आपका बहुत बहुत काम बहुत ही सराहनीय है। शुक्रिया शुक्रिया वकार भाई। तो ये JCB से आज यहाँ पर काम हो रहा है दोस्तों, ये हम कालू राम इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने हैं, तो यही है सूरत हाल। 4 days to go, 25 तारीख से एक बेहतरीन टूर्नामेंट आप देखेंगे। कालू राम इंटरमीडिएट कॉलेज प्रतापगढ़ से पट्टी रोड पर स्थित है, इसी गेट से प्रवेश होकर आपको वहाँ पर